जनपद में आबकारी विभाग की तरफ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला आबकारी अधिकारी महेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा आबकारी विभाग, पुलिस विभाग व प्रशासन की टीम गठित की गई है। इसके तहत कच्ची शराब के खिलाफ 13 मार्च से अभियान चल रहा है, जो कि पूरे महीने चलेगा, जिसके तहत पूरे जनपद में कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको पकड़कर जेल भी भेजा जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया गया है और लहन को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व है और चुनाव में इसकी खपत ज्यादा रहती है, जिसको देखते हुए टीमें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आबकारी अधिकारी महेंद्रनाथ सिंह ने कहा, शासन की तरफ से शासन के निर्देशों पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं प्रशासन की टीमों का गठन कर दिया गया है। यह अभियान 13 से इस महीने के अंत तक चलेगा और हम लोग जो है लगातार प्रतिदिन प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब की बरामदगी एवं लहन तोड़ी जा रही है। सर, ये अभी होली का पर्व है, ऐसे में ज्यादा जी इस समय जो है होली का त्यौहार भी है और साथ ही साथ चुनाव में भी खपत बढ़ने की संभावना रहती है, इसके दृष्टिगत ही यह अभियान लाया गया है और टीमें सुचारू रूप से अपना कार्य लगातार कर रही हैं।